मुरादाबाद के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह कर रहे कांग्रेसियों द्वारा कहा गया कि सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मजदूर, गरीब और जरूरतमंदों के साथ ही अजय कुमार लल्लू जी को अदालत के द्वारा इंसाफ जरूर मिलेगा। योगी आदित्यनाथ गरीब विरोधी मानसिकता और ओछी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सोशल डिस्टेंस के साथ कांग्रेस जन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर मौन प्रतिवाद कर रहे हैं। मुरादाबाद में उनके द्वारा सोशल डिस्टेंस के साथ विरोध किया जा रहा है। हो रहा है, अभी तक किसी भी एक शख्स को उनसे मिलने नहीं दिया गया। एक आतंकवादी की श्रेणी में उन्हें रखा गया है जैसा देखा जाए तो। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनका कसूर क्या है। इतना ही कसूर है ना कि उन्होंने गरीब मजलूम बेसहारा मजदूरों की आवाज़ उठाई, उनको घर तक ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत की। हमने 1000 बसों का लिस्ट दी थी, ना मालूम कैसे क्या राजनीति से प्रेरित होकर के उसमें बकौल प्रदेश सरकार के 879 बसें हमारी फिट पाई गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वो 880 बसें भी क्यों नहीं चलाई गई। जब आपके हिसाब से 880 बसें फिट थी तो क्यों नहीं चलाई गई। और जो सारी राजनीतिक पार्टियों की रैलियाँ होती हैं उसमें वो फिटनेस प्रमाण पत्र क्यों नहीं देखे जाते, क्यों उस वक्त सारी बसें जैसे जो भी आती है सब चला दी जाती हैं। तो आज मजदूरों के टाइम पर ये राजनीति क्यों की गई। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का सिर्फ इतना दोष है कि उन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई। और अब क्या मांग है आपकी? अब हमारी मांग यह है कि उन्हें प्रदेश सरकार रिहा करे, बिना शर्त रिहा करे। तो आज कहाँ धरने पर बैठे हैं आप? आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति पर हम लोग सांकेतिक धरने पर 4 लोग बैठे हैं। हमने पूर्ण रूप से सारी सरकार की शर्तों का भी पालन किया है और कोई भी हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया। तो इसमें गिरफ्तारी देंगे? अगर गिरफ्तार करना चाहें तो हम तैयार हैं।